इंसाफ, उसमें भी आपने मुझे एक मुतहरक करदार अदा करते हुए देखा। पिछले को तकरीबन 3 हफ्तों से 20 रोज़ से मैंने अपना रابطہ जो है वो अपनी फैमिली के साथ भी मुनक़ता किया हुआ था। उसकी कुछ रीज़न्स हैं, कुछ वजूहात हैं, जिन वजूहात में सबसे बड़ी वजह ये थी कि पिछले 5 माह से हम सब लोग अपने घरों में मौजूद नहीं थे, अपनी फैमिलीज़ के साथ जो है वो रابطے में नहीं थे। और 9 मई का जो एक वाक़या पेश आया, जो अफसोसनाक वाक़या था, उस वाक़े के बाद हम सब अपने अपने घरों से दूर थे और हम कानून का जो है वो सामना नहीं कर रहे थे। लेकिन उन 5 माह के दौरान एक मुसलसल माइंड के अंदर, दिमाग के अंदर जो है वो एक सोच मौजूद थी कि जो पॉलिटिक्स, जो सियासत हम कर रहे हैं, क्या इसी पॉलिटिक्स के लिए मैं 2008 में मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी में बतौर स्टूडेंट रहनुमा के तौर के ऊपर अपनी सियासी जदोजहद का जो है वो आगाज़ किया था। क्या पाकिस्तान, जिस पाकिस्तान को हम उस वक्त एक सोच लेकर आए थे कि उस वक्त के नौजवानों ने जो है वो मुल्क बनाने के लिए कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का साथ दिया था और एक मुतहरक रोल प्ले किया था, तो हम तो पाकिस्तान को हकीकी मानों में कायदे आज़म का पाकिस्तान बनाने के लिए अपनी जदोजहद का हमने आगाज़ किया था। तो ये सवालात मुसलसल, इनके जवाब जो है वो मैं अपने आप से पूछ रहा था, क्योंकि जो आपकी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी है, जो आपका खुद एहतसाबी का अमल है, वो बहुत ज़रूरी होता है। बाज़ औक़ात आप हालात और वाक़यात के तसलसल में, जज्बात में आप इतना आगे चले जाते हैं कि आप जो है वो हकीकत से बहुत दूर चले जाते हैं। और मैं भी उसी मरहले के अंदर, उसी जो है वो तजबजब का शिकार था। तो मैंने ये अपना एक टाइम टेकअप किया ताकि मैं अपना एक फ़ैसला कर सकूं। इसमें मेरी बहुत सारे ऐसे कुछ रूहानी लोग हैं, उन्होंने भी मेरी मदद की, कुछ मेरे मुखलिस दोस्त हैं, उन्होंने भी इसमें मुझे इस नतीजे पे पहुंचने पे मेरी जो है वो मदद की। ये कोई हमारी कोई ऐसी जंग नहीं है, ये कोई कुफर और इस्लाम की जंग नहीं है, बल्कि हम अपने ही मुल्क के अंदर जो हमारी एक डेमोक्रेटिक जमहूरी, जो हमारी स्ट्रगल होनी चाहिए, उस स्ट्रगल से हट के हम मुल्क को वायलेंस की सतह के ऊपर ले आए हैं।